যুগে জামা সাহেব বহুতই ধরনা দে খেলে করে না যান যান चलिए आप लोग आते रहते हैं आप फिर से आप चलिए जो खेल आप लोग देख रहे हैं ये 10 नंबर का मैच है राम के दृष्टिकोण से ग्राम का दूसरा मैच है मैदान के तिरछा पौधे जिससे कम लोग देख पा रहे यह है आर्मान एफसी पिछले साल फाइनल को खेले इस साल तक अच्छी टीम को सजा कर टीम के मैनेजर ने उतारे हैं टीम के मैनेजर है बाघराई हो मैदान के दक्षिणी साइड में जिस टीम को हम लोग देख पा रहे हैं यह है सगुन बदस्कुटी जाफर जादव बड़ा आयो के एक दमदार टूर्नामेंट से मना जाता है उत्तम मत पटा रहे आर्मान एफ सी टीम खिलाड़ी अब दक्षिण रहे सगुन ब्रदर्स फुटबॉल टीम ये मैच सब तो बिल्कुल फाइनल का मैच तक इधर आपको लगेंगे कि तो दोनों ही टीमों में स्टार का भरमार है अगला नंबर का मैच 11 नंबर का मैच के लिए रेडी रहेंगे एस एस सी रुआ समनगर का ब्लैक शुगर अपूरी मैंडमंडल रोबा और रिपब्लिक नेशनल प्लेयर है एक ऑल राउंडर प्लेयर है जो ओडिशा स्टेट से बिलोंग करते हैं राजस्थान में पूल टूडी है हाफ लाइन में 7 नंबर जैसे में भीम 17 नंबर जैसे में डॉक्टर वापिद गणेश मुर्मू टीम अविनाश गौर एक स्टार खड़े टीम के साथ जुड़ चुके हैं कैमरा सार एक बहुत ही धुरंधर जो खड़े को रंगा जान जान जाना जाता है चलिए और 42 में ध्यान था तो फरमान में राम मौजूद है 8 नंबर जैसे में आर्मन अफसर टीम के लिए फबल डहन राम एक अच्छे फिनिशर 11 नंबर के जैसे नजर आ रहा है सगुन वर्ष गोलकीपर के बात करें विकास हेमरम है एक अच्छे गोलकीपर है लेकिन इस मैच में शुरुआती दौर में गोल खाया डिफेंस लाइन में यह मनीष मुर्मू बहुत ही जीवर खेल के लिए जाने जाते हैं 4 नंबर जैसे में प्रकाश लेफ्ट में करण हाफ लाइन में किश्तो हाजा शिवू हाजा और मंगल टीम के साथ जुड़े हैं फरार लाइन में 10 नंबर जैसे में घासीराम इनके साथ साथ राशन माडी 30 नंबर जैसे में है कैमरामैन का नाम भी उसमें जोड़ देंगे कमाल का लेफ्ट हैंड शॉट लेकिन बेहतरीन टाइमिंग पर ठाकुर टूट गए द्वारा अभी भी भीम मकसिलों के लिए ने टीम को बराबरी फैलाने में सफलता हुआ कहीं ना कहीं म्यांमार के में गलती कर बैठे आर्मान एफसी के डिफेंडर नेट को खाली छोड़ा है फिलहाल थोड़ी बहुत धूप जरूर है
से खिलाड़ी पर हताशा नहीं होना चाहिए, नर्वस नहीं होना चाहिए। धूप आपके लिए इतना है, आपको विवक्षित नहीं। जो दूसरा खिलाड़ी इस तरह का मौसम, इस तरह का कंडीशन में बेहतर खेल को दर्शा पा रहे, मैं भी अच्छा खेल को दर्शा सकता हूं। इस उम्मीद के साथ खेल को खेलना होगा। करण का बहुत अच्छा होगा, बॉल डालने में मेरे विचार से गणेश मुर्मू का तो खराब नहीं था, लेकिन करण यह देख रहे हैं कि गणेश को जो मोमेंट देखा गया कि बॉल को इस जगह को पहले कवर करके बॉल का अपने कब्जे में लिया। फिर से अपर ऐसे का सुंदर शॉट, सुंदर गोल, दो इतिहास लेने में कामयाब होता पर सगुन बरस फाटिंग की टीम अभी क्या थोड़ा सा दबाव में आएंगे अरमान एफसी की टीम। और आपका खेल 1:47 रात टाइम में खेल शुरू होगी। लड्डू शहर में दूसरा एफसी टीम को जीत मिली, जीत के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे दूसरा एफसी टीम के मैनेजर अभिषेक बेसरा जी को, और धन्यवाद देना चाहेंगे ब्लैक Thank you.
मैदान को दर्शक सगुन ब्रदर्स वार्डिंग की टीम अध्यक्षी चौपड़े अरमान अफसर टीम अब तक दो एक के बाद ले चुके सगुन ब्रदर्स की टीम अरमान अफसर का अरमान लेकिन आप मैं देख रहा हूं कि तालमेल टीम के खाने के साथ नहीं बन पा रहा है, यही उनके लिए दिक्कत बना हुआ। के लिए सागुन ब्रदर्स वार्डिंग टीम के लिए नहीं ले पाता टीम आपने कब्जे तौर पर आसानी के साथ ले लेते हैं, घुसी करने फूल हो जाते हैं। फिर से मोटर शॉट
কুরতির গর্বসে বাহার হওয়া ফিসে শিব শিব পরমেশনে করণ সাত নম্বর কে যেটা বহুত বড় যোগদান রাতে ভাড় পাতে পারনি কি আজ দিন দিন মেলা জানে ইস মেলা মে টিম কো খেলনে কে মৌকা দে ইয়ে অসর ইয়ে মৌকা हो सकता है टीम हाथ के बात से चला गया लेकिन इस मैदान में खेलता हो कुछ न कुछ उनको नए टेक्निक सीखने को मिला है कुछ अनुभव मिला होगा जवान वाले समय में सिलेक्शन मैच में उस अनुभव को दर्शा पाएंगे लेकिन बहुत ही खराब खेल रहे हैं अरमान एफसी। खेल में कोई खराब नहीं,
शेर को देखता हुआ ऐसा लग रहा मानो बराबर का टक्कर चल रहा हो। गोल अंतर की अगर बात की जाए आर्मन एफ सी का एक गोल जवाब में सकुन वर्ष का चार गोल। तो कम कर पाएंगे ये देखना हो सचिन साहब बहुत अच्छे टेक्निक अपना यहां पर सजीत ने कमाल का कंट्रोल यहां पर संजीत रुद्रवा और सुनील यहां पर समय समाप्त दूसरा मैच को जीते जीते यहां पर सगुन पर स्वाटिंग की टीम